हमारे जेबी के एसएस जेएलकेएम के जितने प्रखंड पदाधिकारी जितने प्रखंड स्तरीय जिला स्तरीय और जितने भी केंद्रीय के जितने भी पदाधिकारी हैं यहाँ उपस्थित, जितने भी अभिभावकगण, जितने भी हमारे दादा दीदी काका काकी जेठा जेठी मौसा मौसी और सभी को मेरा एक साथ झारखंडी जोहार। और यहाँ जितने भी उपस्थित हमारे छोटे भाई और बहन सभी को हमारा स्नेह भरा प्यार। आज यहाँ हम लोग झारखंड के स्वाभिमान यात्रा निकाले, इसका उद्देश्य है, सबको मालूम है इसका उद्देश्य, लेकिन फिर भी मैं एक बार कहना चाहूंगी कि आज हमारे ये स्वाभिमान यात्रा निकालने का जो उद्देश्य है, बहुत जो दादा लोग जो दीदी लोग किताब पढ़े हैं गूगल में देखे हैं, सबको मालूम है कि लगभग 3 मिलियन वर्ष पूर्व जब समुद्र से जब पृथ्वी बाहर आई थी तो सबसे पहले पृथ्वी का जो क्षेत्र दिखा था वो हमारे ये झारखंड हमारा कोल्हान का क्षेत्र है। तो क्यों ना हम स्वाभिमान करें अपना झारखंडी होने का, क्यों ना हम गर्व करें, क्यों ना हम मतलब हम अकेले नहीं होकर हम मतलब हम लोग क्यों ना हम लोग गर्व करें, गर्व महसूस करें कि हम लोग झारखंडी हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि हमारे भारतवर्ष में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन 28 राज्यों में से एकमात्र हमारा झारखंड राज्य ऐसा है जो कि पूरे भारतवर्ष को अकेले 40% खनिज संपदा देने का काम करता है। इतना ही नहीं, अगर 40% खनिज संपदा देने का काम करता है यानी कि 40% अकेले हमारे झारखंड राज्य पूरे भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था को चलाता है। फिर भी हम झारखंडी गरीब क्यों हैं? क्यों हम झारखंडी लाचार पड़े हुए हैं? क्यों हमारा झारखंडी इतना पिछड़ा है? क्यों है हमारा झारखंड इतना पिछड़ा? क्यों हमारा झारखंड को सम्मान नहीं मिलता है? हम लोग 40% खनिज संपदा देते हैं, 40% अर्थव्यवस्था चलता है, तो फिर हमारा झारखंड को सम्मान क्यों नहीं मिलता है और बदले में हम लोगों को कुछ क्यों नहीं मिलता है? उस हिसाब से पूरा भारतवर्ष का 40% खनिज संपदा हमारे झारखंड अकेले देता है और भारतवर्ष का मात्र 2.5% जनसंख्या हमारे झारखंड में है पूरा भारतवर्ष का। उस हिसाब से हम सब करोड़पति होना चाहिए था ना, लेकिन कोई नहीं है, अभी सब मजदूरी करते हैं। और जैसे यहाँ पे विष्णुपुर हुआ, साक्षी हुआ, यहाँ जैसे कंपनियां हैं टाटा स्टील कंपनियां, ऐसे ही हमारे झारखंड में कुल लगभग कम से कम छोटी बड़ी कंपनियां मिला करके हमारे झारखंड में 10,000 कंपनियां हैं, उससे अधिक है। लेकिन कंपनी का प्रावधान क्या होता है, उस क्षेत्र के जो लोग होते हैं 75% नौकरियां उन्हें मिलना चाहिए। अरे गवर्नमेंट नौकरियां तो दूर की बात है, हमें वो भी नहीं मिलता है जो कंपनी है। क्या हमारे बेटा लोग, अरे यहाँ का बेटा दादा दीदी भाई बहन लोग बीटेक एमटेक नहीं है, नहीं किए हैं क्या? आईटीआई डिप्लोमा नहीं किए हैं क्या? बीबीए एमबीए का पढ़ाई नहीं किए हैं? तो फिर हमारे झारखंडी लोग क्यों नहीं दिखते हैं? तो सोचिए हमारे झारखंड के लोग इतने अच्छे हैं कि रोजगार तक दूसरे राज्य के लोगों को देते हैं ना, दूसरे राज्य के लोगों को। यहाँ जाके कंपनी में जाके देखिएगा 75% आपको झारखंड के लोग नहीं उल्टा मिलेगा, 75% आपको दूसरा राज्य के लोग मिलेंगे वहाँ नौकरी करते हुए, 25% आपको झारखंड के मिलेंगे। फिर भी महाशय लोग आके यहाँ पर प्लानिंग करते हैं कि हमारा झारखंड में दूसरा राज्य का स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे। तो आप लोग बताइए दादा लोग, स्वाभिमान यात्रा निकाला कहाँ जाता है और क्यों निकाला जाता है? निकाला जाता है स्वाभिमान यात्रा जिस जगह आप रह रहे हैं, जहाँ आपका कमाई हो रहा है, जहाँ आप पाल पोस रहे हैं, आपका परिवार पाल रहे हैं, आपको जहाँ पर आप खा रहे हैं, जहाँ आपको रोजी रोजगार दिया है, आपको वहाँ का स्वाभिमान यात्रा निकालना चाहिए। उस जगह पे आप अपना राज्य का निकाल रहे हैं तो अपना राज्य में जाके निकालिए ना महाशय, आपको किसने रोका है? किसी ने तो नहीं रोका है। जब आप यहाँ रह रहे हैं, जब आप झारखंड में रह रहे हैं, झारखंड में खाएंगे, झारखंड में कमाएंगे, तो फिर स्वाभिमान यात्रा क्यों उठाई दूसरे राज्य का? यहाँ ये हम लोग कतई स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमेशा एक नारा रहता है
लड़ के लेंगे, काट के लेंगे, लेकिन अब थोड़ा समझदारी से लड़ेंगे। समझदारी से यानी कि हथियार से नहीं, क्योंकि हथियार से हम लोगों के नाम पे धरा तो धरा लग के जाता है। यहाँ थोड़ा राजनीतिक बात कर रहे हैं, अभी स्वाभिमान यात्रा में भी राजनीतिक बात यही कर रहे हैं कि आप सब लोग जानते हैं ये आंदोलन वाला पार्टी है, और यहाँ से जो हम लोग का जेल कैंप का उदय हुआ और इनका उद्देश्य भी आप सब जानते हैं, क्योंकि समय कम है, काफी बचता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा संक्षेप में कहूंगी। लड़ के लेंगे मतलब चुनाव लड़के, काट के लेंगे मतलब वोट काट के बाहरियों का। अब हम लोग अपना झारखंडियों को जिताएंगे। लड़ के लेंगे, काट के लेंगे, चुनाव लड़के लेंगे, वोट काट के लेंगे, और जिस कुर्सी में नियोजन नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति, ये नीतियां जिस कुर्सी में बैठ के जिस कलम से लिखा जाता है कागज पे, वो कुर्सी में बैठने का काम करेंगे और वो कलम छीन के लेने का काम करेंगे, उसी से लिखेंगे और यहाँ का नियम नीति बनाएंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी यही विराम देती हूँ। अगर मेरे चरण हाथों से भी किसी का मन में कोई ठेस पहुंचा हो तो आप लोगों की बहन बेटी हैं, बहन बेटी समझ के माफ कर दीजिएगा, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आप लोगों का सदा आभारी रहूंगी। धन्यवाद, चौहान।